हेलो हाय गाइस, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवीन दहिया में। ये लेसन प्लान फिफ्थ है, जो आपकी टीचिंग फाइल है इकोनॉमिक्स, उसका रियल टीचिंग लेसन प्लान फिफ्थ। ठीक है, देखिए जल्द ही मैं आपके ये जो लेसन प्लान है कंप्लीट करा दूंगी। कॉमर्स के बचते हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ऐसे ही आप जो सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका काम मैं कर दूंगी, ये काम आप कर दो। ठीक है, तो भाई ये देख लेते हैं लेसन प्लान जो फिफ्थ है वो किस तरह से बनाया गया है, क्या टॉपिक लिया गया है, क्या पैटर्न यूज़ होता है, सारा इसमें देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो आपको लिखना है कंटेंट एनालिसिस, फिर आपको लिखना है जनरल एम्स। बिल्कुल देखिए कंटेंट एनालिसिस चेंज हो जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन जो जनरल एम्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सेम रहते हैं। आप हर इसमें जैसे आप लेसन प्लान बना रहे हो उसमें आप लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स तो वही होते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तो वो थोड़ी ना चेंज होंगे। बस ये तो आपको ऐसे ही लिखना है, एक दो कम हो जाता है एक लेसन में, एक दो ज़्यादा हो जाता है, बस यही है। ठीक है, फिर है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड, ये क्या आ गया। हाँ जी, ये रह गए थे हमारे जो टीचिंग एड सम यूज़ करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जनरल एड्स हो जाएंगे आपके चोक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, ये सब हो जाएंगे। फिर स्पेसिफिक एड्स, इसमें स्पेसिफिक एड्स लगा लो, या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होते हैं, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो होते हैं वो लगा लो, सेम बात है, कोई अलग नहीं है। इसमें चार्ट के थ्रू अगर आप पढ़ा रहे हो, मॉडल के थ्रू पढ़ा रहे हो, तो सारा आपका ये आ जाएगा इंस्ट्रक्शनल में। ठीक है, अब आता है ये पेज प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। क्लास में एंट्री करने से पहले हम कुछ एज्यूम्ड करके चलते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि हमें बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होगी। फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम लेते हैं, दो चार क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, लास्ट में नो रिस्पॉन्स होता है, फिर हम अपना जो टॉपिक है वो अनाउंस करते हैं, फिर हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने लेसन प्लान तैयार किया है उसकी हम प्रेजेंटेशन देते हैं बच्चों के सामने। इस तरह से ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखना है आपको टीचिंग पॉइंट्स, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और CBW। CBW पता ही हो गया आपको अब तक, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पर जो काम होता है वही है क्लास बोर्ड वर्क। फिर टीचिंग पॉइंट्स में आपको लिखने हैं मीनिंग्स, डेफिनेशंस, ये अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप पढ़ाते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको स्टूडेंट्स की एक्टिविटी लिखनी है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आपकी एक्टिविटी आएगी एज ए टीचर, फिर इस तरह से ये। और देखिए आपको यहाँ पे ना ब्लैक चार्ट ज़रूर पेस्ट करना है, एक भी ब्लैक चार्ट पेस्ट नहीं है इस पेज पे, आपको भी ब्लैक चार्ट पेस्ट ज़रूर करना है। कहीं आप ये सोचो कि इसमें तो ब्लैक चार्ट पेस्ट है नहीं, क्या ज़रूरत है करने की, तो मैं बता रही हूँ साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लैक चार्ट ज़रूर पेस्ट करना है। ये नेक्स्ट पेज है, देखिए मैं इसलिए कह रही थी ये ब्लैक चार्ट पेस्ट करना आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ है आपका ब्लैक चार्ट, ये आपको ना सुननी पड़े इसलिए आप अपना जो ब्लैक चार्ट है वो ज़रूर पेस्ट रखें। ये है आपके नेक्स्ट पेज पे जो फाइल्स कंप्लीट। फिर नेक्स्ट पेज है ये, पांच या छह पेजेस बनते हैं रियल टीचिंग के, क्योंकि जो हमारा टाइमिंग होता है वो 35 to 40 मिनट्स का होता है। देखिए यहाँ पे एक दो लेसन पिछले जो मैंने अपलोड किए हैं किसी में भी ब्लैक चार्ट नहीं था, आप कर लेना अपना ब्लैक चार्ट ज़रूर पेस्ट। इस तरह से आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट कर सकते हो। ये भी आपका नेक्स्ट पेज है, देखिए कहीं भी ब्लैक चार्ट जो है पेस्ट नहीं किया गया है, आप ये गलती ना करें नहीं तो फिर आपके मार्क्स कम होंगे।
ये लास्ट पेज है, जनरलाइजेशन करते हैं पढ़ाने के बाद, फिर बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करते हैं अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, फिर हम उनको होमवर्क देते हैं। होमवर्क देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आप किस बुक से पढ़ा रहे हो बच्चों को, या फिर आपका टॉपिक क्या है, आपका क्या सब्जेक्ट, आप सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, कॉमर्स पढ़ा रहे हो, वो सब आपको यहाँ लिखना है। और फिर आपको क्लास लिखनी है किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो। फिर आपको लास्ट में जो बुक का राइटर है या फिर कोई पब्लिकेशन की अगर आपने बुक लगवा रखी है क्लास में, वो लिखनी है लास्ट में, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही हो गया। आपके टीचिंग जो रियल टीचिंग लेसन प्लान है 5 आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मैं कॉमर्स की जो टीचिंग फाइल है वो अपलोड कर दूँगी। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।